मैं अंजलि मिश्र, स्वागत है आपका द न्यूज में। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के स्थित दफ्तरों पर पिछले 3 दिनों से लगातार आपको बता दें कि आयकर विभाग की रेड जारी है। दोनों ऑफिसों में 14 फरवरी को आईटी रेड शुरू हुई थी। विभाग ने इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी को लेकर यह जांच शुरू की है। रेड के बाद से लेकर अब तक कंपनी की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया है कि वे जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द मामला सुलझा दिया जाएगा। कंपनी ने अगले नोटिस तक अपने कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा है। मुंबई में बीबीसी के सत्ताक्रूज स्थित दफ्तर पर छापा मारा गया है। मौके पर मौजूद आईटी अधिकारी अकाउंट्स की जांच कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में बीबीसी के ब्यूरो ऑफिस पर रेड हुई है। सूत्रों के मुताबिक आईटी अधिकारियों ने बीबीसी के साथ एक दस्तावेज भी साझा किया है। इसमें बताया गया है कि आयकर विभाग को 3 दिन तक सर्चिंग करने की अनुमति है। बीबीसी पर मारी गई रेड की टाइमिंग को लेकर कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टी सवाल खड़ी कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि गुजरात दंगों पर आई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की वजह से बदले की कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस ने एक जारी ट्वीट में कहा कि पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई और उसे बैन किया गया और अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया है। उन्होंने इसे अनुघोषित आपातकाल बताया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि कांग्रेस अदानी मामले में जेपीसी की मांग कर रहा है और बीबीसी के दफ्तर पर इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस के अलावा सपा ने भी इस कार्रवाई की आलोचना की। अखिलेश यादव ने इसे वैचारिक आपातकाल बताया तो वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने भी सरकार की कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी पर एक्शन को कानून के मुताबिक बताया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ काम कर रहा है। बीबीसी का इतिहास भारत को कलंकित करने वाला रहा है। इंदिरा गांधी ने बीबीसी पर बैन लगाया था। बीबीसी ने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान कश्मीर में आतंकवादियों को करिश्माई युवा उग्रवादी बताया था। बीबीसी ने होली के त्यौहार पर भी टिप्पणी की थी। इतना ही नहीं, बीबीसी ने महात्मा गांधी पर भी प्रतिकूल टिप्पणी की थी। ये उदाहरण काफी अहम है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी इस कार्रवाई पर सवाल दागे। उन्होंने जोर देकर कहा था कि यह एक ट्रेंड बन गया है जहां पर उन मीडिया हाउस को निशाने पर लिया जा रहा है जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उनकी नीतियों की आलोचना करते हैं। इससे पहले न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री के दफ्तर पर भी ऐसे ही छापेमारी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि छापेमारी का जो सिलसिला है वो लगातार जो है जारी है, क्योंकि आज 3रा दिन हो चुका है। कहा जा रहा है कि 3 दिन तक उनके पास सर्च का जो ऑप्शन है दिया गया है। इंटरनेशनल टैक्स रिलेटेड मामला है, लेकिन विपक्ष इस मामले को लेकर लगातार पीएम मोदी के ऊपर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री पर जोड़ रही है। सवाल कई सारे हैं कि आज विपक्ष बीबीसी के लिए इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं स्टैंड क्यों ले रही है, बीबीसी के लिए इतना दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि अपने घर की जो मीडिया हाउसेस है, जो भारत के मीडिया हाउसेस है, उन्हें उस पर तो उन्हें भरोसा नहीं है। उसे दिन रात कभी बिकाऊ तो कभी जो है गोदी मीडिया का टर्म जो है उसके लिए इस्तेमाल करते नजर आते हैं। लेकिन एक विदेश की मीडिया कंपनी है जो देश में ऑपरेट कर रही है, जो देश में फंडिंग से बेसिस पर काम कर रही है, उस पर इन्हें पूरा पूरा भरोसा है। उसे लेकर उन्हें काफी तकलीफ हो रही है। यही बुद्धिजीवी लोग रिपब्लिक के वक्त में कहां थे। ये विपक्षी दल जो आज के वक्त में एकजुट हो चुका है। सबसे बड़ी बात है कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई एक ऐसे टॉपिक पे, कैसे बेसिस पे 2002 के गुजरात दंगों पर, जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी उस वक्त के मुख्यमंत्री जो थे नरेंद्र मोदी, उन्हें क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन फिर भी आज वो प्रधानमंत्री है और अब उस मामले को उठाकर विपक्ष बीजेपी पर निशाना साध रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भूल गया है कि जिस मामले में देश की एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्लीन चिट मिल चुकी है, उस मामले को अभी उठाकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति रोटियां ये सेकना चाहते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने यह भी कहा कि हमेशा देखने के लिए मिला है कि कांग्रेस जो है वो देश विरोधी तत्वों के साथ नजर आती है। बीबीसी हमेशा देश विरोधी तत्व रहते हैं। आप देख सकते हैं रिपब्लिक के साथ क्या हुआ था। यूएस की कंपनी थी, उन्हें काफी बड़ा एक
कहा गया कि वहाँ से उन्हें झटका लगा था, उन्होंने ऑपरेट करना वहाँ पर बंद कर देना पड़ा उन्हें, उसके बाद फिर उन्हें जुर्माना भी लगा था। लेकिन यही चीज़ अगर भारत में हो तो फिर इसे लेकर आप सवाल खड़े करने लगते हैं। अगर कोई देश विरोधी चीज़ें दिखा रहा है, देश विरोधी चीज़ें कर रहा है, जैसे दो समुदाय में किसी भी तरीके का फ्रिक्शन बढ़ सकता है, तो इससे सरकार के पास पूरा अधिकार है उसको करप्ट करने का। और बीबीसी ऐसे ही काम करती रहती है। बीबीसी हमेशा आप कह सकते हैं कि एंटी चीज़ें देखने के लिए मिलती है, एक एजेंडा, एक प्रोपागेंडा के तहत काम करती है। और टाइमिंग भी देखिए कैसी टाइमिंग है, 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले इस तरीके की टाइमिंग है, तो चीख चीख के बयां कर रही है कि ऑल इज़ नॉट वेल। ये सारी चीज़ें जो है प्री प्लान्ड है और इसके तहत से जो है अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये जो आप कह सकते हैं कि जो नारा देते रहते हैं या जो चीज़ें कहते हैं, एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो ज़मीन पर चीज़ें अलग हैं। तो अभी बीबीसी की वजह से इन्हें दर्द हो रहा है। बीबीसी के आपको बता दें कि मोबाइल जो है कर्मचारी जो वहाँ पर मौजूद थे उनके जब्त किए गए हैं, उनके जितने भी उनके पास कंप्यूटर थे, सिस्टम थे वहाँ पर मौजूद, उनके पासवर्ड भी लिखवाए गए हैं, जाँच खंगाली जा रही है, कागज़ खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि चीन से फंडिंग का भी बीबीसी को लेकर मामला सामने आया था। बीबीसी पर चीन से फंडिंग का भी आरोप लगाया गया था क्योंकि बीबीसी को पैसे की सख्त ज़रूरत थी। और ऐसे में बीबीसी के लिए मुश्किलें बढ़ती गई और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए उन्हें चीन से फंडिंग मिली थी और उस फंड का इस्तेमाल भी उन्होंने किया। और अब इसे कह सकते हैं एजेंडा और प्रोपेगेंडा के तहत ही काम कर रहे थे। और अब जब इन पर कार्रवाई हो रही है, जिसमें अभी कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने नहीं आया, इंटरनेशनल टैक्स चोरी का मामला है, अभी तक जो खबर है वो है कि इसी मामले को लेकर जांच हो रही है। लेकिन बिना किसी चीज़ को जाने अभी ही विपक्ष जो है कंक्लूजन पर पहुंच रहा है, अभी विपक्ष पूरे कंक्लूजन निकाल ले रहा है, क्योंकि विपक्ष को सिर्फ हमला करने से है, आपातकाल और ये सारी इमरजेंसी घोषित करी। ये वही कांग्रेस के शब्द है जिसमें कांग्रेस की सरकार के दौरान बीबीसी पर 2 साल के लिए बैन लगा दिया गया था। 2 साल तक बीबीसी को ऑपरेट करने से जो आप कह सकते हैं कि मना कर दिया गया था। इंदिरा गांधी के समय की ये बात है, कांग्रेस तब सत्ता में थी, ये तब की बात है। लेकिन तब और अब में इन्हें डिफरेंस लगता है, क्योंकि तब ये सत्ता में थे, आज कोई और सत्ता में है, और जो सत्ता में होता है वो कुछ भी करे तो इनके लिए जायज़ है। तो ये चीज़ें हैं, जब इंदिरा गांधी के समय जब बैन लगाया गया था, कुछ सोच के बैन लगाया गया था, काफ़ी पहले की बात है। और अब जब इस पर कार्रवाई हो रही है तो पूरे विपक्ष को तकलीफ हो रही है। तो ये जो विपक्ष का दोहरा चेहरा है, ये दो तरफा जो चेहरा है, ये समय के साथ बेनकाब होगा। जितने लोग आज बीबीसी के साथ खड़े थे, ये भी समझ आ गया कि आखिर बीबीसी से ये जो प्रेम है, ये किस लिए इतना ज़्यादा ये प्रेम ये दिखा, क्योंकि बीबीसी हमेशा देश विरोधी चीजें दिखाती है, भारत की अखंडता पर सवाल उठाती रही है, और इसी तरीके से चाहे हमारे त्यौहार ही क्यों ना हो, उन्हें लेकर भी आपत्तिजनक रिपोर्ट और टिप्पणियां करती नजर आई है। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष राजनीति के लिए बीबीसी की साइड लेता हुआ नजर आ रहा है। बता दें आपको, बीबीसी पर 14 तारीख को रेड और 14 फरवरी को रेड हुई थी, तीसरे दिन भी रेड लगातार जारी है, और दोनों ही ऑफिसों में 14 फरवरी को आईटी की रेड शुरू हुई थी और अभी भी ये रेड लगातार चल रही है। इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी को लेकर ये जाँच शुरू की गई थी, इसे नॉर्मल सर्वे भी बताया जा रहा है, जो चल पूरा होने के बाद रिपोर्ट भी सामने आएगी, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।